डक्टेबल एयर कंडीशनर में जो डक्टेबल होता है, डक्ट एसी जो होता है, 5 टन का हो या फिर 10 टन का हो, उसमें गैस चार्ज कैसे किया जाता है, कंप्लीट वीडियो आज मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि डक्टेबल एसी में गैस चार्ज कैसे किया जाता है नए सिरे से। तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और मैं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। चलिए सीखते हैं कि डक्टेबल एयर कंडीशनर में गैस चार्ज कैसे किया जाता है कम्प्लीटली, और कितना गैस उसमें चार्ज होता है, कितने का प्रेशर दिया जाता है, और ठंडक के मौसम में कितना प्रेशर दिया जाता है, गर्मी के मौसम में कितना प्रेशर दिया जाता है, कंप्लीट आज मैं सिखाऊंगा आपको। और इससे पहले मैं एक वीडियो बना रखा हूँ, जो कि कल ही मैं एक वीडियो बनाया हूँ, जो कि 1.5 टन एयर कंडीशनर में, स्प्लिट एयर कंडीशनर में गैस टॉपअप कैसे किया जाता है। जैसे आधा गैस है, उसमें 30 का प्रेशर है, 40 का प्रेशर है, R22 30 40 का प्रेशर है, तो उसके ऊपर टॉपअप कैसे किया जाता है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि टॉपअप कैसे किया जाता है स्प्लिट एयर कंडीशनर को। तो चलिए आज हम डक्टेबल में गैस चार्ज करते हैं कम्प्लीटली। ये हमारे पास यूनिट है जो कि 5 टन का है, इसमें गैस चार्जिंग कर रहा हूँ। गैस इसमें कम था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था गैस, इसलिए इसका अपना कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था और E4 का एरर आ रहा था। तो इसमें मैं 45 का प्रेशर अभी चार्ज कर दिया हूँ, इसे भी मैं 50 लगभग 50-55 तक पहुँचाऊँगा, अभी चार्ज कर रहा हूँ। 2 सिलेंडर था, 1 सिलेंडर ख़त्म हो गया, 1 सिलेंडर अभी चल रहा है, क्योंकि ना इसमें गैस ज़्यादा हो जाता है, लगभग लगभग 5 किलो के आसपास गैस इसमें जाता है, 4 किलो 5 किलो गैस, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसमें गैस चार्ज करने में। ये डक्टेबल एसी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये डक्टेबल एसी है पर लगा। लगभग ये 50 का प्रेशर अभी होने वाला है, ये वाला लो प्रेशर से मैं चार्ज कर रहा हूँ, 50 का प्रेशर होने वाला है अभी, 50 या फिर 52-55 करके मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि अभी शाम का टाइम है ना, शाम का टाइम है इसलिए टेम्परेचर डाउन है। अभी इसकी अगर सक्शन चेक किया जाए तो सक्शन अभी देख सकते हैं, सक्शन पर भी ठंडा होने लगा है सक्शन। अभी जो मैं पहले छत पे दिखाया हूँ एसी, छत पे देखे हैं अभी ये सारा एसी जो लगा हुआ है, ये सारे डक्टेबल एसी हैं, अब देख सकते हैं पूरा, ये सारे डक्टेबल एसी हैं यहाँ पे, जो कि सारे जितने भी हैं ना वो 5-5 टन के एसी हैं, सभी डक्टेबल एसी हैं। प्रेशर हो गया है, अब देख सकते हैं ये 50 का प्रेशर हो गया, इसका फैन अभी देख रहे हैं, फैन ऊपर लगा देता हूँ, तो इसका फैन अभी ना, फैन भी अभी अंदर हवा फेंकने लगा है अच्छा से, और अंदर मूविंग भी अच्छे से होने लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे सक्शन लाइन चिल्ड हो गया, सक्शन लाइन ठंडा हो गया, तो उसका मतलब और डिस्चार्ज भी थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया है, ये जो डक्टेबल एसी है इसका डिस्चार्ज गर्म होता है थोड़ा थोड़ा, और सक्शन पूरा भी चिल्ड हो गया है, थोड़ा और बाकी रह गया है गैस चार्ज करना, 50-55 का हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 सिलेंडर है, 1 सिलेंडर ख़त्म हो गया, इसमें लगभग 2 किलो गैस था और ये दूसरा सिलेंडर लगाया हूँ अभी। शाम का टाइम है इसलिए गैस नहीं जा रहा, मैं तो सिलेंडर को थोड़ा सा गिरा देता हूँ ताकि लिक्विड जल्दी जल्दी चला जाए।
मशीन अभी ठंडा हो गया है, इसमें बस 50 का प्रेशर में डाल के छोड़ देता हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम में फिर इसका प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए 50 का प्रेशर में डालो। अगर शाम के टाइम डालना हो तो 50 का प्रेशर डालना चाहिए, R22 में। ये भी R22 का है, और इससे पहले मैं 2.5 टन का AC चार्ज किया हूँ, वो भी R22 था। देखिए सिलेंडर पूरा ठंडा हो गया, जब गैस जाता है सिस्टम में तो सिलेंडर पूरा ठंडा हो जाता है, पूरा ठंडा हो गया है सिलेंडर, इसलिए गैस भी जल्दी जल्दी नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सिलेंडर ठंडा हो गया है ना। जब सिलेंडर ठंडा हो जाता है तो गैस जल्दी जल्दी नहीं जाता है सिस्टम में, इसलिए धीरे धीरे जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी गैस देना हो स्टैंडिंग पोजीशन में जितना गैस जाता है उतना दे देना चाहिए। अभी देखिए सिलेंडर ठंडा होने की वजह से गैस नहीं जा रहा है अंदर, इधर सक्शन भी ठंडा हो गया है। चलिए 52 का प्रेशर हो गया, अभी मैं बंद करता हूँ इसको, जब 52 का प्रेशर दे रहा हूँ वो 60 हो जाएगा दोपहर में। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि डक्टेबल एयर कंडीशनर में, डक्टेबल में जो डक्ट एसी होता है 5 टन का, उसमें गैस चार्ज कैसे किया जाता है। प्रोसेस सेम होता है, तरीका सेम होता है, बस इसमें रेफ्रिजरेंट थोड़ा ज़्यादा जाता है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इसमें गैस चार्ज करने में, बाकी प्रोसेस सेम होता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करते हैं तभी मैं मोटिवेट होता हूँ और भी वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो नई आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।